केरला के छोटे से गांव पुथुपनम में हम मिलने आए हैं एक वॉरियर आंटी से। ये है मीनाक्षी अम्मा, एक कलरी पैटू एक्सपर्ट, एज 74 इयर्स, और इन्हें चैलेंज किया है 25 साल के नौजवान ने। पर लगता है कि इन भाई साहब को अंदाजा नहीं है कि जितने साल के ये हैं, उसके दुगने से भी ज्यादा साल से मीनाक्षी अम्मा कलरी पैटू की प्रैक्टिस कर रही हैं। जी हाँ, कलरी पैटू से इनका नाता पिछले 67 ईयर से है, और इस उम्र में भी इनके जोश के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और यही बात इन्हें बनाती है इंडियाज ओल्डेस्ट कलरी पैटू एक्सपर्ट। कलरी पैटू को वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म माना जाता है, जिसकी शुरुआत करीब 3000 साल पहले केरला में हुई थी। और ये मार्शल आर्ट सिर्फ हिस्ट्री के पन्नों में दफन ना हो जाए, इसलिए मीनाक्षी अम्मा ने कलरी पैटू के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं सिर्फ 7 साल की थी जब मेरे पिता ने मुझे एक कलारी में भर्ती किया था। उस समय मैं उस कलारी की इकलौती फीमेल स्टूडेंट थी, मगर मेरे पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने लड़कों के साथ सीखना शुरू किया और कुछ ही समय में उन्हें हराना भी शुरू कर दिया था। मीनाक्षी अम्मा साल में लगभग 60 कलरी पैटू परफॉर्मेंस देती हैं, और इस एज में हर मुश्किलों को पीछे छोड़कर जब मीनाक्षी अम्मा मैदान में उतरती हैं, तो देखने वालों की तालियां और सीटियां तो अपने आप निकल जाती हैं। भाई बात तो सही है गुरु, अगर सामने 74 इयर्स की इंडिया की ओल्डेस्ट वुमन कलरी पैटू एक्सपर्ट कमाल दिखा रही हो, तो मुंह से तो OMG निकल ही जाता है। कलरी पैटू के लिए उनका डेडिकेशन कहिए या ऊपर वाले की मर्जी, उनकी शादी भी उनके गुरु राघव मास्टर से हो गई। राघव मास्टर जी और मीनाक्षी अम्मा का एक ही सपना था कि कलरी पैटू जैसी आर्ट फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। राघव मास्टर जी तो अब नहीं रहे, पर अपने कदाथ नंदन कलरी संगम में मीनाक्षी अम्मा आज भी उनके सपनों को हर दिन सच बना रही है। मीनाक्षी अम्मा कमाल की ट्रेनर भी हैं। उनके स्कूल में 150 स्टूडेंट्स कलरी पैटू की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनमें से 1/3 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स 6 साल से 26 साल की लड़कियां हैं। लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी कलारी में हर तरह के परिवार के बच्चे आते हैं, कई तो ये कला सीखने के लिए विदेश से भी आते हैं। If I have to describe mama, अम्मा का स्वभाव वैसे तो बहुत शांत है, मगर जहाँ बात सिखाने की हो तो वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। गलत मूव करने पर हमें वो छड़ी से धमकाती भी है, मगर मारती कभी नहीं। इस एज में फिजिकली फिट और मेंटली फोकस्ड मीनाक्षी अम्मा उनके हर स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन है। आई नो आपके मन में भी यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बाकी सब तो ट्रेडिशनल अटायर यानी कच्छा कटील पहने हुए हैं, पर हमारी जो मीनाक्षी अम्मा है ये कलरी पैटू भी साड़ी में ही क्यों कर रही हैं? उन्होंने हमें बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। केरला का तो साड़ी लेना लगे। मलयाली औरतें अपने ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी में बेस्ट लगती हैं। मुझे आज तक साड़ी में कोई भी मूव करने में कभी भी दिक्कत नहीं आई। मुझे समझ नहीं आता कि अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी औरतें क्यों नहीं कर सकती हैं? आई एम श्योर आपको देखकर कई लेडीज को प्रूफ मिल गया होगा कि साड़ी को वो अपनी वीकनेस नहीं पावर भी बना सकती हैं। मीनाक्षी अम्मा एक लिविंग लेजेंड हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ कलरी पैटू के लिए डेडिकेट कर दी। पिछले 67 ईयर से कंसिस्टेंटली कलरी पैटू को एक नए मकाम पर ले जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, साड़ी में कलरी पैटू करने वाली मीनाक्षी अम्मा जैसे लेजेंड्स आज भी हमारे इंडिया की शान बढ़ा रहे हैं। OMG, ये मेरा इंडिया।